हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ बच्चों के लंच बॉक्स स्नैक्स की रेसिपी, जो हम ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। तो मैं बहुत ही आसान और इजी तरीके से ही बनाने वाली हूँ, ज़्यादा मेहनत से नहीं। हम जो वेजिटेबल अगर खाते हैं तो वो वेजिटेबल की बनाए, और जो अगर अंडा वगैरह जो भी है अपना चिकन यूज़ करते हैं तो वो उससे बनाइए। रेसिपी बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये लिया है मैंने चॉपर, और ये थोड़ी सी पत्ता गोभी ली है। तो ये पत्ता गोभी हम इसमें डाल देंगे, जो हमारे बच्चे नहीं खाते हैं जैसे सब्ज़ी वगैरह, तो हम चॉपर में बारीक बारीक करके ले लेंगे, तो हमारे बच्चे क्या आसानी से खा लेंगे। और ये इसके लिए ली है मैंने दो हरी मिर्च, ये भी चॉपर में डाल देती हूँ। एक टमाटर लिया है मैंने मीडियम साइज़ का, ये भी मैं चॉपर में डाल देती हूँ। और मैंने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, इसको भी मैं चॉपर में डाल देती हूँ। तो हम इसको चॉप कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह चॉप हो गया है। चलिए अब हम बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। जो मैंने चॉप किया था ये बाउल में डाल दिया है। ये आलू को भी मैं बाउल में ऐसे ग्रेट कर लेती हूँ। चलिए आलू को ग्रेट करके ले लिया है मैंने। अब स्वाद अनुसार मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। दो कप इसमें मैदा डाल दूंगी। एक एग लिया है मैंने, ये भी इसमें तोड़ के डाल देती हूँ। इसको मैं पहले हाथों से ऐसे मिला देती हूँ, फिर हम इसका बैटर तैयार करेंगे। चलिए मिक्स कर लिया है मैंने, अब इसका बैटर बना लेंगे। चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका बैटर बना लेते हैं। अच्छी तरह हम इसका बैटर बना लेते हैं, इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। दो चम्मच इसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं इसकी सॉफ्टनेस के लिए। देखिए बैटर रेडी कर दिया है मैंने, इसी कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए। चलिए चलिए हम गैस को ऑन कर लेते हैं। पैन को थोड़ा गर्म होने देती हूँ। चलिए गर्म हो गया है, अब हम थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ग्रेस कर लेते हैं। फ्लेम को मीडियम कर देंगे।
दोनों साइड से हम ऐसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए दोस्तों, दोनों जगह से मैंने अच्छी तरह सेक लिया है। चलिए अब हम दूसरा भी इसी तरह से बना लेंगे। थोड़ा ऑयल में एक एक जगह डाल दूंगी। मीडियम आंच पर ही हम इसको सेकेंगे, क्योंकि इसके जो भी है अंदर, जैसे हमने सब्जी डाली है, वो भी इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। देखिए ये भी बन गया है। अब इसी तरह से मैं दूसरा भी डाल देती हूँ। ऐसे डोसे की तरह फैला भी सकते हो। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। देखिए दोस्तों, तैयार कर लिए हमने, तो सिर्फ दो छोटे कप से इतने अच्छे और इतने सॉफ्ट सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। अब रमज़ान भी आ रहे हैं, तो ये अफ्तारी में खाने वाली चीज़ है, तो आप लोग ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आसान सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।